बच्चों, आज हम रिप्रोडक्शन यूनिट को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। होप आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, और अभी तक नहीं हुए तो फटाफट उसको सारे को क्या कर देनी है, सॉल्व कर देना है। जब तक आप उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक अच्छे नंबर नहीं आएंगे। अच्छे नंबर के लिए आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छे से आप अपनी पेंसिल उठाइए, अपने मॉड्यूल्स उठाइए और क्वेश्चंस को करते जाइए और डिस्कस करते जाइए। नया चैप्टर जो हम आज स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हेल्थ का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझना होगा। देखो, सबसे पहले हेल्थ का मतलब होता है पर्सन जो हो फिट हो। हमारी देसी लैंग्वेज क्या है, पर्सन फिट हो। तो फिट का क्राइटेरिया क्या अपन काउंट करेंगे उसके अंदर? सबसे पहला क्राइटेरिया देखा जाएगा फिजिकल हेल्थ। मीन्स पर्सन इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीजेस, उसको कोई बीमारी नहीं है, तो वो जो होगी वो आपकी क्या कहलाती, फिजिकल हेल्थ होती है। जो आप अपनी हैबिट्स के द्वारा क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अच्छा फूड आप ईट कीजिए, क्या ईट कीजिए, अच्छा फूड आप ईट कीजिए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, गुड एक्सरसाइज, एवरीथिंग्स आर देयर विच कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द गुड हेल्थ। तो वो जो हेल्थ होती है वो आपकी फिजिकल हेल्थ होती है। दूसरी हेल्थ होती है बेटा, सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ का मतलब ये होता है कि सपोज आप किसी से मिलने जाते हैं, तो आप वहां पर जाकर झगड़ा नहीं करेंगे उनसे। अपने नेबर्स है, अपने फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, अपने बहुत से स्टाफ्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप वहां पर तू तुम्हें में कर रहे होते हैं। दैट इज नॉट ए क्राइटेरिया। सोशली फिट पर्सन वह पर्सन होता है जो हर चीज को मेंटेन कर चलता है, सोशल रिलेशनशिप, वो हेल्थ जो कहलाएगी, दैट इज सोशल हेल्थ। उसके बाद मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का मतलब होता है बेटा, देखो टीचर मेहनत कर रहा है अपनी, अपने लेक्चर प्रोड्यूस कर रहा है, राइटर जो होते हैं बहुत सारी बुक्स लिख रहे हैं, मॉड्यूल्स बन रहे, इंस्टीट्यूट मॉड्यूल्स के लिए मेहनत कर रहा है। अब क्या होता है, बच्चे उन चीजों को जब टाइम होता है उनका पढ़ने का, अपना ध्यान इधर उधर चला जाता है, तो क्या वो मेंटली फिट कहलाते हैं? वो मेंटली फिट नहीं कहलाते हैं। आपको अपने टास्क पर कॉन्सेंट्रेट होकर चलना पड़ता है। टीचर क्या पढ़ा रहा है, किताब क्या लिख रही है, क्या कहना चाहती है बुक, क्वेश्चंस क्या कहना चाहते हैं, उनको समझो। जब आप इन चीजों को समझेंगे, देन यू आर मेंटली ऑल्सो फिट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो हमको ये बताते हैं कि पर्सन कैसे फिजिकल, सोशल और मेंटली फिट रहता है। तो ये तीनों ही कंसिडर्ड होती है हेल्थ के अंदर। किसके अंदर कंसिडर्ड होगी, हेल्थ के अंदर। और अगर हम इसको हेल्थ के अंदर कंसिडर्ड कर रहे हैं, अब इसी हेल्थ को हम किसके लिए ले लेते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए। इफ ऑल दिस फैक्टर कंसिडर्ड अंडर कैटेगरी ऑफ रिप्रोडक्शन, देन इट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यही सारे फैक्टर्स उसमें भी लगेंगे, फिजिकल, सोशल एज वेल एज मेंटल फैक्टर्स। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। देखो सबसे बड़े हैजार्ड्स देखते हैं अपन सबसे पहले तो, कि इन हेल्थ में ऐसी क्या क्या चीजें आती है जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ या अपनी हेल्थ पर क्या आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है।
तो हैजार्ड्स अपन समझते हैं, हैजार्ड्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जैसे कि ओवर पॉपुलेशन, बेटा क्या कोर्स हो सकते हैं ओवर पॉपुलेशन? बहुत बड़ा हैजार्ड है, बहुत ज्यादा जनसंख्या, इसको मेंटेन करना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो ओवर पॉपुलेशन क्या होती है, कैसे हो सकती है? सपोज पॉवर्टी, पॉवर्टी की वजह से कैसे आपके ये ओवर पॉपुलेशन हो रही? एक तो देखो बेटा, पॉवर्टी होगी तो यहां पर आपको देखने को मिलेगी इलिटरेसी, अनपढ़ लोग ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो अगर इलिटरेसी है वहां पर तो क्या होगा कि वो क्या सोचते हैं कि जितने बच्चे उतना पैसा। आपने देखा होगा मजदूरों को दिन के 500 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए जो भी उनकी एक लेबर मिलती है, तो वो सोचते कि हमारे पास बहुत सारी लेबर हो, बहुत सारे बच्चे हो, ताकि सारे जने क्या करें, वहां जाकर मजदूरी करें तो बहुत सारा पैसा आएगा। पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही, लेकिन उनकी इलिटरेसी उनको क्या बता रही है कि आप जितना ज्यादा उनको बॉन्ड किए जा रहे हो उतना ही उनपे एक्सपेंसेस बढ़ता जाएगा, उनको एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, तो वो किसके अंदर चले जाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो दिस इज वन ऑफ द कॉज फॉर योर ओवर पॉपुलेशन, आया ना समझ में? तो एक चीज तो हो गई आपकी पॉवर्टी, जिसके साथ अपन कंसिडर कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, पहली चीज। फिर बहुत सारी चीज होती है नॉट अवेयर अबाउट यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव का कोई नॉलेज नहीं। वॉट इज दिस निरोध, वॉट इज दिस पिल्स लाइक मालाडी, सहेली, लॉट ऑफ पिल्स आर देयर, उनका भी क्या होता है, कुछ नॉलेज नहीं होता है, तो वो भी एक कॉज हो जाता है किसके लिए, ओवर पॉपुलेशन के लिए। तो ये भी एक कॉज हो गया फॉर ओवर पॉपुलेशन, डिजायर फॉर मेल चाइल्ड, मेल चाइल्ड हर मतलब आज तो ठीक है, आज की जनरेशन तो पढ़ी लिखी हो गई, लेकिन जो ओल्ड जनरेशन थी वो सब क्या चाहती थी कि लड़का पैदा हो, लड़का पैदा हो, यानी कि जनरेशन कंटिन्यूस होती जाएगी। तो डिजायर ऑफ मेल चाइल्ड के चक्कर में कितनी फीमेल पैदा हो जाती थी, एक बच्ची, दूसरी बच्ची, तीसरी बच्ची, और तब तक भी क्या इच्छा रहती थी कि चौथी, चौथा तो लड़का हो गई होगा, किससे पता? और नहीं पता होता है तो उसकी वजह से पॉपुलेशन क्या होती जा रही, ग्रो होती जा रही। तो ये भी एक कोर्स है ओवर पॉपुलेशन के लिए। दूसरा कुछ पॉजिटिव कोर्स भी हो जाते हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल साइंस, अगर आपने मेडिकल साइंस इंक्रीज हुई, मेडिकल साइंस इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, मेडिकल साइंस, मेडिकल फैसिलिटीज इंक्रीज होने की वजह से डेथ रेट कम हो जाएगी, और डेथ रेट कम हो जाएगी तो पॉपुलेशन नेचुरल बात है इंक्रीज होगी। तो इट इज द पॉजिटिव कोर्स, इट इज नॉट अ नेगेटिव कोर्स, इट इज अ गुड फॉर पीपल्स हु आर अलाइविंग। तो ये सारे कोर्स है किसके लिए, आपके ओवर पॉपुलेशन के लिए, राइट डाउन करो यहां तक।
सेकंड हैजार्ड हम समझते हैं, लाइक सेक्स अब्यूज, ये इट इज ऑल्सो वन ऑफ द हैजार्ड, अर्ली मैरिजेस, अर्ली मैरिजेस का मतलब ये हुआ अगर आप 13 टू 14 इयर्स, जिसको हम बाल विवाह कहते हैं, एक अप्रोक्स मैरिज एज होनी चाहिए, लेकिन यहां पर जल्दी मैरिज की वजह से सारे हार्मोनल क्या हो जाएंगे, इंबैलेंस हो जाएंगे, तो यहां पर हो जाता है हार्मोनल इंबैलेंस इन फीमेल, इम्बैलेंस उसकी डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो उसकी हेल्थ पर भी क्या करेंगे, इफेक्ट जाएगा। और आप देख सकते हो एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, इसका भी लोगों को कोई नॉलेज नहीं होता है। आपने एड्स के बारे में सुना ही होगा, अनअवेयर ऑफ द एड्स, दे आर नॉट यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव, दे आर नॉट यूजिंग सम सेफ्टी बिफोर परफॉर्मिंग दिस इंटरकोर्स, देन दे लीड्स टू मेनी डिजीज, दिस डिजीज आर एसटीडी दैट इज ट्रांसमिटेड बाय सेक्स एंड दैट इज नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये सारी चीजें यहां तक आप लिखिए, दिस आर सम ऑफ द हैजार्ड्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब आपने डिजायर किया मेल चाइल्ड का, आप इलिटरेट हैं, पुअर हैं, तो बहुत सारी कंडीशंस तो आपके पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, वो भी आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर इफेक्ट डालती है। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं तो जैसे कि अर्ली मैरिजेस बहुत जगह आपको आज भी विलेज के अंदर देखने को मिलती है, गाँव के अंदर 13-14 ईयर्स, उनकी पूरी बॉडी का हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से भी उनकी हेल्थ पर क्या आता है, बहुत इफेक्ट आता है। तो दैट इज ऑल अबाउट द Hazards of the reproductive health. अब अपन इससे ओवरकम कैसे होते हैं ये चीज समझते हैं, तब तक यहां तक ब्रेक डाउन करो। हैजार्ड के अंदर हम एक पॉइंट और देख सकते हैं, लैक ऑफ सेक्सुअल एजुकेशन। देखो पहले तो ये चैप्टर्स जो होते थे ये कंसिडर्ड ही नहीं होते थे आपके उसके अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर, जो आपके पुराने सिलेबस में होते थे। नाउ गवर्नमेंट हैज ऐड दिस चैप्टर्स टू योर टेक्स्ट बुक, और बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं जो इन चीजों को डिटेल में समझा भी नहीं पाते बिकॉज ऑफ शायनेस, लेकिन ऐसा कोई टॉपिक नहीं, इट इज फॉर योर बॉडी। आप फ्यूचर में क्या बनने वाले हो, डॉक्टर बनने वाले हो, तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो लैक ऑफ सेक्सुअल एजुकेशन का मतलब जहां पर एजुकेशन ही नहीं मिल रही है, इन चीजों के बारे में डिटेल नॉलेज नहीं मिलता है, what is menstruation, how sperm is formed, how ovum is formed, when it is formed, what are the STDs, how it is causing, ये सारी क्या है, ये सारी reproductive के बारे में एक general characteristics है जो हर इंसान को, मैं नहीं कह रहा कि science के NEET के student को आनी चाहिए, it must be known by each and every person, सारे persons को इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ताकि they should take precaution, किसके लिए, ताकि उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या रहे, अच्छी रहे। तो वो सारी चीजें होती है, तो लैक ऑफ सेक्सुअल एजुकेशन, बच्चे क्या होते हैं कि बहुत सारी चीजें डिस्कस भी नहीं कर पाते ड्यू टू शाइनेस, न अपने टीचर्स से, न अपने पेरेंट्स से, न अपने कलीग से,
तो उसकी वजह से वो डिजीज और वो सारी जो हार्मफुल चीजें होती है उनके अंदर इंक्रीज होती जाए। तो ये सारी हर जगह पर गिवन होनी चाहिए, तो ये भी एक वन ऑफ द हैजार्ड इज देयर। अब हाउ टू ओवरकम ऑल दिस हैजार्ड, देखो इंडिया ने बहुत बड़ी पहल की थी। इंडिया ने बनाया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इंडिया इंट्रोड्यूस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम और ये स्टार्ट किया था 1951 में। नाम था आरसीएच, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। मतलब सबसे पहला कदम किसने उठाया था इस चीज के लिए, इंडिया ने, कि किस तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम लोगों को अवेयर कर पाए, उसके बारे में अच्छा नॉलेज दे पाए, उससे ओवरकम हो पाए। तो सबसे पहले ये जो कदम रखा था वो इंडिया ने रखा था 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अनुसार। अब आप देखो कैसे कैसे आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। तो हाउ टू ओवरकम दिस हैजार्ड्स, हाउ टू ओवरकम दिस हैजार्ड्स, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया मैरिजेबल एज को डिसाइड करो। हमारी कंट्री के अंदर 18 इज फॉर फीमेल एंड 21 इज फॉर मेल, अदरवाइज यूएस के अंदर 16 एंड 18 इज देयर। तो मैरिजेबल एज डिसाइड होने की वजह से अर्ली मैरिजेस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, आया ना समझ में। उसके बाद में सेकंड चीज अवेयरनेस पैदा करो, आपने एक स्लोगन सुना होगा हम दो हमारे दो, उससे ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करना है। उससे ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो पॉपुलेशन क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और वो इंक्रीज करनी नहीं है। तो हम दो हमारे दो का जो नारा होता है वो आपको टीवी पर सुनाई देता है। तो अवेयरनेस आप मीडिया के द्वारा कर सकते हैं। अवेयरनेस किसके द्वारा हो सकती है, वाया मीडिया। मीडिया के अंदर आपके न्यूज़पेपर हो गए, टेलीविजन हो गए, लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स आर देयर जिसके द्वारा भी आपको इन चीजों का पता रहता है अवेयरनेस के बारे में। दे आर लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ लाइक दिस स्पर एंड ऑल दैट, दैट दे आर द पैड्स, हाउ टू यूज, व्हाट आर द इफेक्ट्स, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स एंड हाउ टू थ्रो आउट दिस बेस्ट प्रोडक्ट, सारी चीजें इसमें समझाई जाती है। तो सेकेंड चीज ये होगी कि इसमें क्या करना है, आपको अवेयरनेस करना है। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग लॉट ऑफ थिंग्स, दे आर प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ एड्स ऑन द न्यूज़पेपर, दे आर प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ एड्स ऑन द टेलीविजन, लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स आर देयर। एंड आपने देखा होगा क्रिकेटर्स जो होते हैं वो भी इन चीजों में बहुत पार्टिसिपेट्स करते हैं, स्पोर्ट पर्सन्स, कोई भी स्पोर्ट पर्सन्स होते हैं, जैसे टेनिस प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है, क्रिकेटर्स है, दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन प्रोवाइडिंग पॉजिटिव न्यूज अबाउट दिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। लाइक वो अवेयर करते 1 दिसंबर, 1 दिसंबर क्या होता है, एड्स डे। तो वो क्या करेंगे, खेलने से पहले यहां पर रेड रिबन बांध देंगे। अब क्या होता है कि पब्लिक क्रिकेट बहुत देखती है अपने यहां पर, इस तरीके से होता है ना, तो पब्लिक क्रिकेट देख रही है, पब्लिक क्रिकेट देखेगी तो यहां पर क्या देखेगी, रेड रिबन। अब वो रेड रिबन क्यों बांधा है, ये क्वेश्चन अराइज हो जाएगा। क्यों बांधा है, ये क्वेश्चन जब अराइज होता है तो कोई ना कोई तो वहां पर नॉलेजेबल होगा, वो बोलेगा यार आज एड्स डे,
एड्स क्या होता है, ये सारी जो अवेयरनेस होती है ये सारी भी गिवन होती है किसके द्वारा, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। तो एडवर्टाइजमेंट के द्वारा ये सारी चीजों को अवेयर किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं, इंसेंटिव स्कीम्स। इंसेंटिव स्कीम्स के अंदर क्या होता है, जैसे किसी की वैसेक्टोमी करवा दो, वैसेक्टोमी का मतलब क्या हुआ, नसबंदी। अब जब आपके दो तीन बच्चे हो गए तो फिर आप नसबंदी करवा सकते हैं, वो कहलाएगी आपकी क्या, वैसेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी लोग करवाते नहीं, बहुत वो फियर होता है कि आइदर सेक्सुअल प्लेजर इज डिक्रीज, इट विल इफेक्ट्स देयर हेल्थ, देयर मे बी अ साइड इफेक्ट, पर ऐसा कुछ नहीं होता। उस पर्सन को अच्छे से समझाया जाता है, उसकी वैसेक्टोमी करवा देते हैं। तो वैसेक्टोमी करवा देते हैं तो ऐसे पर्सन आते नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या की, इसके लिए भी स्कीम रखी, जो उसको लेकर जाएगा हॉस्पिटल, जैसे गांव के अंदर होते हैं ना नसबंदी करवाने के लिए, ले यार चल मैं तेरे को हॉस्पिटल ले जाता हूँ, ये करवा दे बहुत फायदा है, तेरे दो बच्चे वैसे ही हो गए, और ज्यादा पैदा करके क्या कर लेगा, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तेरी इनकम उतनी है, क्या कमाएगा, क्या खाएगा और उनको खिलाएगा, ये सारे फैक्टर्स उसको समझाकर एक पर्सन उसको लेकर जाता है हॉस्पिटल। और जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचता है वहां पर उसकी वैसेक्टोमी होती है, तो जो पर्सन लेकर जा रहा है उसको भी क्या मिलता है, पैसा। और जहां पर पैसा मिलता है वहां पर वो चीज वैसे ही प्रमोट हो जाती है। तो वैसेक्टोमी के लिए भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंसेंटिव्स दे रही है, कुछ पैसा दे रही है, जिसकी वजह से आप पॉपुलेशन को क्या कर पा रहे, कंट्रोल कर पा रहे। दूसरा, डिलीवरी। इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर अगर फीमेल डिलीवरी करवाने जा रही है, पहले तो क्या होता था गांव के अंदर या शहरों के अंदर भी होता था, दाई माँ को बुलाया जाता था, ओल्ड लेडी आती थी और वो डिलीवरी करके चली जाती थी। अब सपोज बच्चा उल्टा आता है, बच्चा सीधा आ गया, उसका पाव ऐसे फंस गया, तो यूट्रस में दाई माँ कहां से निकालेगी, वो सीजरियन थोड़ी करेगी वहां पर। तो वहां पर फीमेल के लिए भी और बच्चे के लिए भी क्या हो जाता है, खतरा हो जाता है, होता है कि नहीं होता है उसके अंदर। सिंपल सी चीज है, साइंटिफिक नॉलेज तो होना चाहिए ना, मेडिकल नॉलेज तो होना चाहिए उसके बिना। ठीक है आपकी सारी डिलीवरीज हो रही है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस भी तो आ सकते हैं, और जहां कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वहां पर आपको क्या नीड होती है, डॉक्टर्स की, जो आप बने भविष्य में। तो यहां पर डिलीवरी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इन्होंने क्या किया, मेडिसिन फ्री कर दी, कुछ रिलेटिव्स जो आते हैं उसके साथ में एक आधे को उसको भी फ्री कर दिया, और डिलीवरी के बाद में दे आर गिविंग मनी, इट इज अबाउट 2,500 to 3,000, अब तो शायद और इंक्रीज हो गया, इट इज अबाउट 4,000 to 5,000 रुपीज। तो इसके लालच में भी जो पुअर पीपल होते हैं, विलेज के पीपल होते हैं, वो सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही डिलीवरी करवाने पहुंच जाते हैं। तो वैसेक्टोमी हो गई, डिलीवरी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, ये सारी चीजें किसके अंदर आ रही, इंसेंटिव स्कीम्स के अंदर। अब सपोज दो बच्चे हुए आपके और आप और बच्चे की उम्मीद करते हो, और सरकार कहती है कि ज्यादा हुए तो हम गवर्नमेंट नौकरी नहीं देंगे, तो भी पॉपुलेशन क्या हो जाती, कंट्रोल हो जाती। तो हम दो, हमारे दो का वहां पर कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। मतलब टू चाइल्ड देन ओनली गवर्नमेंट जॉब। तो जब आपके पास में ओनली टू चाइल्ड्स आर देयर, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर व्हाट, गवर्नमेंट जॉब, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। एलिजिबल बनने के लिए आपको कितने होने चाहिए, दो बच्चे होने चाहिए, तभी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। और सपोज फीमेल चाइल्ड पैदा होती है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी इसकी एजुकेशन फ्री की है, कुछ स्कीम्स दी है, कुछ पैसा दिया है जो फीमेल को 18 इयर्स पर मिलता है, तो फीमेल फिटिसाइड्स भी खत्म हो जाएंगे। जो फीमेल को मारा जाता था, कन्या भ्रूण कहते हैं अपने इसको, वो भी धीरे धीरे क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, ओवरकम स्ट्रेटेजी।
यहां तक लिखो, फिर इसके आगे और समझते हैं। आ रहे हैं ना यहां तक समझ में? उसके बाद बेटा आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, अगर आप मेल और फीमेल को इक्वल राइट्स दे देते हैं, क्या दे देते हैं? इक्वल राइट्स। टू मेल एंड फीमेल फीमेल फिटिसाइट्स तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, कन्या भ्रूण क्या हो जाएगी, वैसे ही खत्म हो जाएगी। एम्नियोसिंथेसिस पर आप बैंड लगा दीजिए, एम्नियोसिंथेसिस जेन स्टडी के लिए बैंड नहीं लगाना, आप वहां पर ये ना देखे कि मेल है या फीमेल। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर एम्नियन से फ्लूइड निकाल कर क्या करते, स्टडी कर लेते उसके हॉर्मोन्स की, उसके क्रोमोसोम्स की। उस स्टडी में ये पता लगता है कि उसके अंदर कोई जीन डिफेक्ट तो नहीं है, लेकिन वो क्रोमोसोम एक्स 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 वाई अगर वो पढ़ लिया तो, वो पढ़ लिया तो ये पता चल जाए मेल है या फीमेल। तो वो सारी चीजें आपको नहीं बतानी है। तो इस चीज पर भी एम्नियोसिंथेसिस पर क्या करना है, कंट्रोल करके चलना। आया ना यहां तक समझ में? फिर सेक्सुअल एजुकेशन इन स्कूल्स, ज में जब तक आपको इस चीज का पूरा नॉलेज नहीं होगा तो आप इन चीजों से डिप्रेशन फैक्टर्स में पहुंच सकते हो। तो इन चीजों को बहुत ध्यान से समझना है, स्कूल में अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड करनी है ताकि पर्सन्स क्या रहे, अवेयर रहे। तो ऐसे बहुत सारी फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, कम आउट विथ दिस ऑल हैजार्ड्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नेक्स्ट अपन पॉपुलेशन के बारे में और वेरियस मेथड पढ़ेंगे, किस तरीके से हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से हम एसटीडी को कंट्रोल करेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को, जो इस चैप्टर में अच्छे से डिटेल में हम सारी चीजों को पढ़ेंगे। तब तक आप यहां तक नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे पॉपुलेशन से। थैंक यू।